नमस्कार, स्वागत है आपका संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मौजूद हैं हिसार के सिविल हॉस्पिटल में। तो जैसा कि कल बताया गया था कि सुबह 10 बजे जो है डीएसपी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो हिसार के सिविल हॉस्पिटल में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। और अभी ये जो आप गाड़ी देख पा रहे हैं, गाड़ी तैयार की गई है, यहीं से उनका जो पार्थिव शरीर है आदमपुर के सारनपुर गाँव में लेकर जाया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल की बात करूँ तो उनके भाई ने जैसे जानकारी के अनुसार बताया है कि प्रशासन तो पूरी तरह से तैयार था सुबह शव को ले जाने के लिए, पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा लेट होना पड़ा। फिलहाल यही वो गाड़ी है जिससे जो है डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई जी का जो पार्थिव शरीर है वो अपने उनके सारनपुर निवास स्थान पर लेकर जाया जाएगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ऊपर उनकी जो तस्वीर है वो भी लगाई गई है। पुलिस के बहुत सारे मुलाजिम भी यहाँ पर मौजूद हैं, एम्बुलेंस भी है और साथ में उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद है। अगर बाहर की बात करें तो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, उनके परिवारजन भी यहाँ पर मौजूद है, उनके छोटे भाई जो अशोक कुमार है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। फिलहाल जो है यहीं से अभी जो है पार्थिव शरीर को ले जाने का कार्य किया जाएगा। अभी हम लोग शव गृह के बाहर खड़े हैं और सिविल अस्पताल हिसार से लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखा रही हैं। बड़ा ही एक तरह से सभी देशवासियों के लिए ही मैं कहूँगी, क्योंकि सबके लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है कि जिन्होंने पूरी जिंदगी भर कर्तव्यनिष्ठ तरीके से अपने काम को किया वो आज सबकी आंखों में आंसू छोड़कर चले गए हैं। उनकी पत्नी से भी कल हमने बात की तो बात करते करते भी हमारी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किस तरह से बात करें, क्योंकि जो मोमेंट है बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो आज जो है 10 बजे उनके पार्थिव शरीर को का अंतिम संस्कार किया जाना था, लेकिन बारिश की वजह से विलम्ब हुआ। और आप देख भी सकते हैं अभी भी बारिश हो रही है लगातार। हम लोग भी शेड के नीचे खड़े हैं और यहाँ पर जो है लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाड़ी तैयार की गई है, यहाँ पे उनके रिश्तेदार भी मौजूद हैं। सर, जानकारी दे सकते हैं कि विलंब किस तरह से हुआ? बारिश की वजह से। अगर हम लोग प्रशासन के तरफ से इंतजाम की बात करें तो पूरे इंतजाम, हाँ, प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है, और क्या करे, कुदरत का है, बारिश हो गई, उसमें कुछ किसी का जोर नहीं है। सर, सुनने में आया जहाँ पर घाट विस्तार किया जाना था वहाँ पर भी जो है पानी भर गया पूरी, हाँ, पानी भर गया पूरी तरह। तो सर उसके लिए किस तरह से इंतजाम किया? उसको लग रहे हैं गांव के लोग, लग रहे हैं पंचायत के हैं, प्रशासन है, पूरे कोशिश कर रहे हैं उस पानी को निकालने की। हाँ जी, SP साहब सुबह के वहाँ गए हुए हैं, पूरा प्रशासन वहाँ है, SDM साहब वहाँ है, लग रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं। पंप से पानी निकाल रहे हैं और मिट्टी भी डाल रहे हैं जी। तो क्या सुनने में आया सर, भारी बारिश की वजह से? हाँ, बारिश बहुत ज्यादा है जी, बारिश बहुत ज्यादा है, अब भी चल रही है बारिश। तो सर अब तक कब तक जो है जानकारी मिली है कि कब तक जो है पार्थिव शरीर को गांव के अंदर लेकर जाया जाएगा, कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? यहाँ से थोड़ी देर की बात है, वो उसका फ्रीजर का इंतजाम कर रहे हैं, होते ही यहाँ से चल पड़ेंगे। तो फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पुलिस के मुलाजिम भी मौजूद हैं, और यही वो गाड़ी है जिससे जो है DSP सुरेंद्र सिंह बिश्नोई जी के पार्थिव शरीर को यहाँ से लेकर जाया जाएगा। शहीद का दर्जा उन्हें मिल चुका है। शहीद DSP बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, जैसे उनके बारे में पता चल रहा है धीरे धीरे कि कर्तव्यनिष्ठ तरीके से जो है कार्य करते थे, और हमेशा अपने काम को किसी और पर छोड़ने के बजाय हमेशा खुद करते थे। कभी भी जो है किसी से बुरा व्यवहार नहीं किया, फैमिली के टाइम के लिए भी टाइम निकालते थे। सुनने में आया कि हर संडे को जो है अपने घर पर आते थे और आने के बाद अपने भाइयों से मिलना, बातें करना, रिश्तेदारों के पास कॉल कॉल करके उनका हाल चाल जानना, और साथ में अपनी शेविंग भी जो है वो संडे के दिन ही करवाते थे। लेकिन फिलहाल जो है उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाने की तैयारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि डी फ्रिज का पहले इंतजाम किया जाएगा, उसके बाद डी फ्रिज में जो है बॉडी को लेकर जाया जाएगा। फिलहाल हम लोग सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
तो यही वो गाड़ी है जिससे जो है पार्थिव शरीर को गांव सारनपुर में ले जाने का कार्य किया जाएगा। अगर मैं गाड़ी की बात करूं तो पूरी की पूरी फूलों के साथ सजाई गई है गाड़ी, और एक तरह से कहते हैं कि पुष्पों के द्वारा श्रद्धांजलि देने का एक तरह से कार्य किया गया है। अगर मैं बात करूं सारनपुर की, तो सारनपुर में स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि वहां पर अभी पानी की निकासी जो है बार बार की जा रही है कि पानी की निकासी करके वहां पर जो है अंतिम संस्कार किया जाए। अभी उनके भाई भी आएंगे, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी हम लोग जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, और बताने में सुनने में यही आया कि जल्द से जल्द जो है उनके पार्थिव शरीर को ले जाने का कार्य किया जाएगा। फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मुलाजिम भी यहाँ पर मौजूद है और बहुत सारे पत्रकार साथी भी यहाँ पर आ चुके हैं, और यही वो गाड़ी है जिसमें अभी लेके आ रहे हैं। सर जीनू कैमरा देना। तो देखिए ये वो गाड़ी है, यहाँ पर जो है उनकी फोटो भी रखी गई है, पूरी गाड़ी को जो है फूलों से सजाया गया है, इसी स्टेज पर जो है उनको लेकर जाया जाएगा। तो सॉरी सॉरी डीप फ्रीज आई थिंक तैयार कर लिया गया है, और अभी पार्थिव शरीर को बाहर लेकर आया जाएगा सिविल हॉस्पिटल से। भाई भी देख पा रहे होंगे आप, व्हाइट टी शर्ट के अंदर हैं, आंखें नम हैं। तिरंगे में लपेट कर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। फोन के ऊपर करिए छतरी। सुबह 10 बजे जो है अंतिम संस्कार किया जाना था, उनके अंतिम संस्कार में बहुत सारे लोग मौजूद थे, बहुत सारे अगर मैं बात करूं एसपी जो हैं पूरे हिसार जोन से आने वाले थे, हिसार से हांसी से, और 10 बजे जो है अंतिम संस्कार किया जाना था, लेकिन बारिश की वजह से विलम्ब हुआ। जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाना था वहाँ पर भी पानी पूरी तरह से चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार में विलम्ब हुआ। अभी ये जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये हिसार के सिविल हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं, जहाँ पर अभी उनके पार्थिव शरीर को बाहर लाया जाएगा। डीप फ्रिज का भी इंतजाम किया गया पहले, उसके बाद डीप फ्रिज में जो है लेकर उनकी बॉडी को लेकर जाया जाएगा, पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा। उनके ब्रदर भी यहाँ पर मौजूद हैं, आंखों में आंसू हैं। फोन पे उनका बेटा है जो ब्लैक टी शर्ट में स्पेक्स में आपको व्यक्ति देख पा रहे हैं, ये उनके बेटे हैं।
जी ने फोन रखिस भाई पर। फिलहाल मौजूद है हिसार के सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ पर जो है शहीद DSP सुरेंद्र सिंह बिश्नोई जी के पार्थिव शरीर को जो है यहाँ से सहारनपुर में ले जाया जाएगा। तस्वीरों के माध्यम से जो आप व्यक्ति दे रहे फोन पर, ये उनके छोटे भाई अशोक हैं और साथ में उनके बेटे भी मौजूद हैं जिस टैक्स में हैं, और कल ही रात को ये अपने घर पर आए हैं, कनाडा में थे। वो अभी देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भाई के बेटे के आंसू रुक नहीं रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत जल्द स्टार्ट जो ब्लैक शर्ट में हैं, इनके बेटे हैं जो भी अंदर जा रहे हैं। अमर रहे अमर रहे गाँव तक ले जाया जाए, क्योंकि सुबह 11 बजे का समय था, बारिश के कारण अंतिम संस्कार में देरी हुई। अभी हिसार के सिविल हॉस्पिटल से उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास पर, उनके गांव पर, आदमपुर के सहारनपुर गांव में ले जाया जा रहा है। सहारनपुर गांव में ले जाया जा रहा है। आप देख रहे हैं हिसार के सामान्य हॉस्पिटल से यहाँ से अंतिम संस्कार करके उनके निवास लेकर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, कई लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं बारिश के कारण। आज अंतिम संस्कार का समय था, 11 बजे का टाइम देरी हुई,
जो तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, जिन्होंने भी हाथ जोड़े हैं, वो अपने पापा को आकर जो है सरप्राइज देने वाले थे कि 7 अगस्त को आकर कनाडा से पापा को सरप्राइज दूंगा। टिकट बुकिंग के बारे में भी किसी को नहीं बताया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके फादर के साथ इस तरह से जो है घटना घटेगी और वो हमेशा के लिए उनके बीच से चले जाएंगे। तो अभी हम लोग जो है टोल पर निकलते हैं, लांजी टोल प्लाजा पे भी जो है लोग एकत्रित हैं जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग आएंगे। वहां से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, लगातार जुड़े रहिए संसार क्रांति के साथ।